हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेट्स स्टार्ट। ये आपके चैप्टर नंबर सेकंड है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर का नाम है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी इन्वर्टेबल इफ एफ इज वन वन एंड ऑन टू। अगर कोई फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों ही होता है तो उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर बाइजेक्टिव फंक्शन वर्ड यूज़ किया जाता है तो वो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों ही होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं पहले कि व्हाट इज़ वन वन फंक्शन। मैपिंग ऑफ रेंज एंड डोमेन आर यूनिक। अभी हम एक एग्जांपल से इसको समझ लेंगे कि वन वन फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज़ वन वन फंक्शन। मैपिंग ऑफ रेंज एंड डोमेन आर यूनिक, ये होगा वन वन फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे आ रहा होगा, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी एन ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट ए। अदर वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं, द रेंज ऑफ फंक्शन शुड बी इक्वल टू द कोडोमेन। अब इसका मतलब क्या है वो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है फंक्शन की, इस फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पर ए हमारे पास होता है डोमेन और बी हमारे पास होता है कोडोमेन। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है, फिर भी हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। डोमेन एंड कोडोमेन, जो रेंज होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन की, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, मैं फंक्शन ले रहा हूँ, फंक्शन f नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। और फंक्शन ले लिया हमने fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए डोमेन और रेंज के लिए कि कैसे क्या होता है। सिंपल सा आप ये समझिएगा, जो हम वैल्यू पुट करते हैं, जो वैल्यू हम क्या करते हैं पुट करते हैं, वो हमारे पास होती है डोमेन। याद रखिएगा वो होती है डोमेन। और जो वैल्यू हमें मिलती है, जो आउटपुट होता है वो होता है रेंज। सिंपल सी वर्ड्स में अपने पास ये डेफिनेशन है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बोला है, यानी डोमेन भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो डोमेन नेचुरल नंबर है तो अपन यहाँ पर नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं। अगर मैं एक्स की वैल्यू वन कंसिडर करता हूँ तो मुझे एक्स स्क्वायर मीन्स वन, टू एक्स स्क्वायर मीन्स फोर, थ्री स्क्वायर करेंगे तो नाइन। यहाँ पर ये चीज़ जो होती है, ये वन वन का इमेज है, फोर टू का इमेज है, फोर इज इमेज ऑफ टू, नाइन इज इमेज ऑफ थ्री। ठीक है, ये चीज़ होगी डोमेन और ये होगा अपने पास रेंज। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो वन वन फंक्शन है। ये वन वन फंक्शन क्यों है, तो वन वन फंक्शन में सिंपल सा याद रखिएगा, हमारे पास जो डोमेन होगा और जो रेंज होगा वो यूनिक होना चाहिए। ये देखिए यूनिक है, वन वन से अटैच है, टू फोर से अटैच है और थ्री नाइन से अटैच है, तो ये वन वन फंक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑन टू फंक्शन की। तो ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है कि ऑन टू फंक्शन यहाँ पर देख लेते हैं, ऑन टू फंक्शन बोल रहा है हमारे पास कि हमने जो डेफिनेशन देखी थी एफ ए टू बी में, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी में हमारे पास क्या था कि बी के एवरी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका प्री इमेज होना चाहिए ए के अंदर। या अपन बोल सकते हैं बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो अटैच होने चाहिए ए के साथ, ए के एलिमेंट के साथ। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कोडोमेन नेचुरल नंबर है, कोडोमेन हमारे पास है, कोडोमेन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में वन टू थ्री
4, 5, 6 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर जब हमने नेचुरल नंबर कंसिडर किए एक डोमेन की फॉर्म में, तो हमें रेंज मिली 1, 4, 9। डेट मीन्स अगर को डोमेन की बात करते हैं तो रेंज हमें रेंज में मिलेगा 1, हमें मिलेगा 4, 9। ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये जो 5 है, ये और 6 है, यानी 2, 3, 5, 6, 7, इनका जो प्री इमेज होगा, प्री इमेज, इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ रखा है, चैप्टर फर्स्ट में। तो ये जो प्री इमेज है, इनकी प्री इमेज यहाँ पर ए के अंदर, ए का मतलब है डोमेन, यानी कि नेचुरल नंबर में नहीं है। तो इनका प्री इमेज नेचुरल नंबर में नहीं है, यानी ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं कोडोमेन के एलिमेंट्स, वो अटैच नहीं है डोमेन के अंदर, वो अटैच नहीं है डोमेन के अंदर, इसलिए ये जो ऑन टू फंक्शन होगा ये नहीं होगा, इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये सिंपल सा था, अपन ने बिल्कुल शॉर्ट में देखा है, इसके बारे में आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में ज़्यादा पढ़ रखा होगा, हमने थोड़ा सा रिवाइज किया, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास डेफिनेशन है इनवर्स फंक्शन की। तो द इनवर्स ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए। तो ये सिंपल सी चीज़ देखिए, अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी, आप इस एफ का इन्वर्स तभी निकाल सकते हैं जब ये फंक्शन 1, 1 एंड ऑन टू होगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है इन्वर्स फाइंड करना। तो सबसे पहले डेफिनेशन वापस देख लीजिए, द इन्वर्स ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय एफ इन्वर्स फ्रॉम बी टू ए सच डैट एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू एक्स इफ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। तो ये इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपके पास कंडीशन होती है। तो आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स किस फॉर्म में हम फाइंड कर सकते हैं। क्लास 11 के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ रखा है, तो चलिए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस। अब ये पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है? पीरियोडिक फंक्शन इज अ फंक्शन डैट रिपीट्स इट्स वैल्यू एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी एक फिक्स इंटरवल के बाद में जो वैल्यू है वो रिपीट होती है। फॉर एग्जांपल हम साइन को कंसीडर कर रहे हैं, साइन फंक्शन ले रहे हैं, साइन 2π + x साइन x होता है, साइन 4π + x भी साइन x होता है, साइन 6π + x भी साइन x होता है। तो इसका मतलब जो इसका पीरियड है साइन का वो हो गया 2π, यानी हर 2π इंटरवल के बाद में, हर 2π पीरियड के बाद में जो वैल्यू होगी वो वापस मिल जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जो पीरियडिक फंक्शन होता है उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ एक्स प्लस टी इजिकल टू एफ एक्स, ये फॉर्म होती है, याद रखिएगा। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियडिक फंक्शन है, डैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो 1, 1 नहीं होंगे, जो इनका डोमेन था उसके अंदर ये 1, 1 नहीं होंगे। तो 1, 1 नहीं होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्वर्स फाइंड करने के लिए उनको 1, 1 बनाना पड़ेगा। इन जनरल ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट बाइजेक्टिव या नॉट बाइजेक्शन, बाइजेक्शन का मतलब आपने पहले ही देखा है 1, 1 एंड ऑन टू, सो देयर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो याद रखिएगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उनका जो डोमेन होता है, डोमेन के अंदर उनका इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, अगर आपने 11th क्लास में ध्यान दिया होगा तो फंक्शन अगर एफ एक्स लेते हैं साइन एक्स, और जो साइन एक्स का डोमेन की बात कर रहे हैं, इसका डोमेन होता है आर रियल नंबर, और इसकी रेंज होती है -1 to 1, ठीक है। तो इस डोमेन आर के अंदर ये जो साइन एक्स है वो 1, 1 नहीं होगा, 1, 1 नहीं होगा, इट इज नॉट 1, 1 फंक्शन इन डोमेन आर, ये चीज़ याद रखिएगा।
तो अगर ये वन वन फंक्शन नहीं है तो हम इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए कंपलसरी क्या होता है कि फंक्शन का वन वन एंड ऑन टू होना कंपलसरी है। तो वन वन और ऑन टू करने के लिए हम क्या करेंगे, इस डोमेन को चेंज करेंगे, स्ट्रिक्टली लिमिटेड कर देंगे। तो जब हम इस डोमेन को लिमिटेड करेंगे तो हमारे पास फंक्शन का इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। इफ़ वी रिस्ट्रिक्ट देयर डोमेन एंड कॉन्डोमेन्स दे कैन बी मेड बाई इजेक्शन एंड वी कैन ऑब्टेन देयर इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने अभी यही बोला था कि अगर हम उसको स्ट्रिक्टली फिक्स कर देते हैं तो वो फंक्शन इन्वर्स फंक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन अपन फाइंड करेंगे। अभी आप अपने देखा था डोमेन एंड रेंज के बारे में, तो 11th क्लास में हमारे पास ये ग्राफ था, ग्राफ को हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखिए कि यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ इस पॉइंट की, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, साइन पाई भी क्या होता है ज़ीरो होता है। तो डैट मीन्स ये वन वन फंक्शन नहीं है, इस इंटरवल के अंदर वन फंक्शन नहीं है। देख लेते हैं, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, इफ एक्स इज ज़ीरो डिग्री या ज़ीरो रेडियन भी लिख सकते हैं आप, ज़ीरो रेडियन लिख लीजिए। ज़ीरो रेडियन ले रहे हैं तो साइन ज़ीरो क्या होगा ज़ीरो, अगर आप पाई रेडियन ले रहे हैं तो भी इसका आंसर क्या आएगा ज़ीरो। तो आप ऐसा तो लिखेंगे नहीं, आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे ज़ीरो एंड पाई, और आपके पास आया आंसर इज ज़ीरो। आप इसको ऐसे लिखेंगे और इसका मतलब ये क्या है, ये इस इंटरवल में क्या है, मैन्युअल है। तो हमने अभी ये देखा था कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने के लिए उसे वन वन बनाना पड़ेगा, लेकिन ये मैन्युअल है तो हम कैसे वन वन बनाएंगे वो देखते हैं। इस ग्राफ से देखिएगा, अगर मैं पॉइंट लेता हूँ पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू, डैट मीन्स ये एरिया जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, इस ग्राफ से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इस इंटरवल के अंदर ये जो फंक्शन है वन वन फंक्शन है, यानी कि आप x की कोई भी वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं तो आपको एफ एक्स की वैल्यू रिपीट नहीं होगी। तो इस इंटरवल के अंदर यहाँ पर ये फंक्शन जो साइन एक्स है वो क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। इसी टाइप से आप अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर इंटरवल बन सकता है, आप चाहें तो इधर भी इंटरवल बन सकता है, लेकिन हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो यहाँ पर ये कंसिडर किया जाएगा, तो इस इंटरवल के अंदर जो साइन एक्स है वो वन वन एंड ऑन टू है। तो इस इंटरवल के अंदर साइन एक्स जो है वन वन और ऑन टू है, तो हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, एफ इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा माइनस वन टू वन एंड रेंज हो जाएगी माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू। अब ये इंटरवल कौन सा, आपको पता होगा ये इंटरवल है क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल आपने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड रेंज होती है उसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। ये जो अपने पास रेंज आएगी इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जब आपके पास, एक चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन में कोई ब्रांच गिवन नहीं होती है तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही कंसिडर करनी होती है। तो हम इसका ग्राफ देख लेते हैं साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ये कैसे बना है, सिंपल सा आप समझिएगा, फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जिसका डोमेन था रियल नंबर एंड रेंज थी माइनस वन टू वन। तो यहाँ पर जो x एक्सिस होता है वो डोमेन होता है और रेंज होती है y एक्सिस। तो जब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे तो जो डोमेन था वो चेंज हो जाएगा रेंज में, और रेंज जो चेंज हो जाएगी डोमेन में। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जो इन्वर्स है, इन्वर्स फंक्शन होता है f इन्वर्स x इज इक्वल टू जस्ट साइन इन्वर्स x लिखा है, इसको आर्क साइन x से भी लिखा जाता है। स्टैंडर्ड बुक्स में आर्क साइन x लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर कैपिटल आर्क साइन x लिखा हुआ है, डैट मीन्स कैपिटल A इस टाइप से लिखा हुआ है आर्क साइन एक्स, तो वहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू कंसिडर नहीं की जाती है, वहाँ पर जनरल वैल्यू कंसिडर की जाती है।
इसके अंदर आर साइन एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेनी है। अगर कैपिटल आर ए आ जाता है और आर्क साइन एक्स इस टाइप से लिखा होता है तो वहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं ली जाती है, वहाँ पर जनरल वैल्यू ब्रांच ली जाती है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एमसीक्यू में आ सकता है। साइन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, क्लोज इंटरवल है, याद रखिएगा, आपको ओपन इंटरवल नहीं लगाना है। सेकेंड है साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो ये भी एक्स होगा लेकिन एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई टू होगी, ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पर भी इंटरवल कौन सा है, आपको इंटरवल का ठीक ढंग से याद रखना है। इंटरवल यहाँ पे होगा क्लोज। साइन इनवर्स जो फंक्शन है अगर उसका डोमेन है माइनस वन टू वन एंड रेंज है माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड वन टू वन, आप देख पा रहे होंगे ग्राफ में ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लगातार इंक्रीज हो रही है, कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है, तो ये जो इस इंटरवल में फंक्शन होता है साइन इनवर्स एक्स वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ये एमसीक्यू में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें।